नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। कटिहार के इतिहास की जानकारी को लेकर मैं कटिहार हूँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हुआ उद्घाटन। 2 अक्टूबर जिसे लोग गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में ही जानते हैं, लेकिन यह दिन कटिहार के इतिहास का अहम दिन है जो शायद बहुत कम ही लोग इस विषय में जानते हैं। 2 अक्टूबर का दिन कटिहार इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे इस जिले का नाम कटिहार क्यों पड़ा? भारत के इतिहास में इस स्थान की क्या भूमिका रही? स्वतंत्रता संग्राम में कटिहार का क्या योगदान रहा? आदि ऐसे कई सवालों का जवाब को लेकर मैं कटिहार हूँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पहले एपिसोड का उद्घाटन किया गया। इस फिल्म के निर्देशक हैं आलोक कुमार तथा स्क्रिप्ट राइटर रितेश ठाकुर। यह फिल्म पूरे 15 एपिसोड में होगी। और ये जो आपने मैं कटिहार हूँ जो आपने जो एपिसोड देखा है, दरअसल 3 युवा हैं कटिहार के। मैं युवा तो मत कहिए, मेरे साथ में एक 19 साल का लड़का भी दीपांशु, रितेश ठाकुर। हम लोगों ने एक नई सोच के साथ जो कटिहार की जो कहानी है, कटिहार की कहानी का मतलब लोगों को ये मालूम नहीं है कि 2 अक्टूबर आपका स्थापना दिवस है। 2 अक्टूबर को लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि को आज भी मानते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं कटिहार हूं का जो एक फ्रेम हमने जारी किया था, मैं कटिहार हूं, तकरीबन गांव-गांव के लोगों ने, तकरीबन 4000 लोगों ने अपना फोटो फ्रेम मैं कटिहार हूं लगाया। और आज लोगों को मालूम हुआ है कि मैं कटिहार, मेरा जो कटिहार है उसका स्थापना दिवस आज है। अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, अभी भी आप पूछेंगे किसी लोगों से नहीं मालूम होगा। आप यदि आज ध्रुव कुंडू की बात करेंगे, मैं खुद बात किया हूँ कम से कम 100 युवाओं से कि भाई ध्रुव कुंडू जानते हो कौन है, भाई नक्षत्र मालाकार को तुम जानते हो कौन है? नहीं मालूम उन लोगों को। आप फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में यदि आप किसी से पूछिएगा तो बताएंगे अच्छा पूर्णिया अररिया, उनको ये भी नहीं मालूम है कटिहार से उनका क्या रिलेशन है। तो ये सारी घटनाएँ आपको मैं कटिहारू में आने वाले जो हमारे एपिसोड है उसमें मिलेंगे। और आज का जो हमारा एपिसोड था उसमें बस स्थापना, जो हमारा आज स्थापना हुआ, इस स्थापना से का मैंने स्थापना दिवस से रिलेटेड हमारा ये एपिसोड था। मैं आलोक कुमार, मैं कटिहार हूँ। देखिए, मेरा नाम रितेश कुमार है। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है कि आज हमारे ज़िले कटिहार का भी स्थापना दिवस है, मतलब कि आज के दिन कटिहार का जन्म हुआ था। साथ ही साथ इस दिन हम लोग कटिहार के जन्मदिवस के रूप जो आज है उस उपलक्ष्य में कटिहार को एक तोहफे के रूप में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की पहली एपिसोड भेंट कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है मैं कटिहार हूँ। इस प्रोजेक्ट से 3 लोग जुड़े हुए थे मुख्य रूप से और बाकी बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है। उसमें खासकर सबसे पहला नाम है आलोक कुमार का, जिनकी ये सोच रही। दूसरा नाम है दीपांशु आर्यन, जिनकी स्क्रिप्ट जिन्होंने इसकी एडिटिंग की है, कैमरा वर्क किया है। और मैंने स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में, चूँकि मल्टी स्किल का ज़माना है, अलग अलग चीज़ करना पड़ता है। और कलाकार भी यहीं के थे, म्यूज़िक अरेंज भी यहीं का हुआ है, और जो भी डांस आपने देखा इस एपिसोड में वो भी यहीं की हैं। आने वाले एपिसोड कई ऐसे होंगे जिसमें पूरी तरह से एक्टिंग की ज़रूरत थी। सारे एक्टर्स कटिहार के हैं, कोई भी बाहर से नहीं है। मैं कटिहार हूँ एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कटिहार के लोगों के लिए, कटिहार के लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि आने वाले दिनों में इस चैनल को, जो कि हमारी यात्रा नाम से है यूट्यूब पर, उसको आप सब्सक्राइब करिए और आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। 15 एपिसोड तकरीबन आएंगे इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। हर 15 दिन के बाद एक एपिसोड लॉन्च करेंगे हम। हमारे 5 एपिसोड्स तैयार हैं और बाकियों पे काम चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये एक सक्सेसफुल हो। मेरा नाम है रितेश ठाकुर और इस फिल्म का मैं ही स्क्रिप्ट राइटर हूँ और वॉइस ओवर भी मैंने ही किया है।
और मैं कटिहार हूँ। मेरा नाम दीपांशु आर्यन हुआ और मैं एक इंडिविजुअल एडिटर हूँ, कैमरामैन हूँ, सब कुछ करता हूँ। और एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर करीबन अभी 40,000 सब्सक्राइबर है। और मैं कटिहार हूँ, मैं करीबन 5 महीने पहले जुड़ा था। तो हम लोग का हुआ क्या कि कटिहार के बारे में कहीं कुछ मिला नहीं, जब हम लोगों ने खुद उठाया कि जिम्मा कि हम लोग डालेंगे। शुरुआत में तो ये 1 महीने हम लोग के लिए बहुत कठिन रहा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मेहनत किया और 12-12 घंटा एडिटिंग करना पड़ता था। फिर हम लोग दिन में शूट भी करते थे, रात में एडिट चल रहा था। इसी तरह हम लोग बहुत से लोगों के पास गए, बहुत बहुत जैसे कुर्सेला हुआ। तो बहुत मेहनत किया आप। हाँ, और आखिरी में यही कहेंगे कि हम लोगों ने अपना मतलब मेहनत कर लिया, मतलब जो करना था। अब आप लोगों की बारी है, इसको कटिहार के हर लोगों तक पहुँचाएँ जो कटिहार से संबंध रखते हों, जो कटिहार आए हों। मैं दीपांशु आर्यन, मैं कटिहार हूँ, टीम का एक सदस्य हूँ।